और गोहाना के अनाज मंडी में पीआर धान की सरकारी खरीद न होने से मंडी में आए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाराज किसानों ने मंडी में सरकार और मंडी प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए धान खरीदने की मांग की। गोहाना के अनाज मंडी में पीआर धान की सरकारी खरीद न होने से मंडी में आए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाराज किसानों ने मंडी में सरकार और मंडी प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए धान खरीदने की मांग की। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों के धान का एक एक दाना खरीदने की बात करती आ रही है, लेकिन गोहाना की अनाज मंडी में पिछले कई दिनों से पीआर धान की खरीद नहीं हो पा रही। हमारा किसान भाइयों का विरोध आज इस बात को लेके है कि ये हमारी जीरी यहाँ पे पिछले 15 दिनों से पड़ी है। ये सरकारी जीरी है, पीआर जो सरकारी खरीद कर रही थी, सरकार के कर्मचारी से पहले पूछ के कि जीरी लेके आए या नहीं लेके आए, उन्होंने कहा कि अपना सैंपल चेक करवा दो। पहले उनसे हमने सब अपना सैंपल चेक किया, फिर वो बोले कि आप अपनी जीरी को लेके आ सकते हो। उसके बाद में फिर हम जब इसको यहाँ पे लेके आए, उसकी बोली नहीं हुई। हम उसके बाद में लगातार प्रशासनिक अधिकारी से मिले, 2-3 प्रशासनिक अधिकारी से बार बार मिले, उन्होंने आश्वासन देते रहे आपकी जीरी खरीदेंगे खरीदेंगे, लेकिन आज 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद ये बारिश में पूरी बीक के तैयार हो गई। कोई बात, देख लेंगे, बता दो। अब इसको वो बोलेंगे कि ये गीली है, इसमें जमींदार किसान इसको कहाँ लेके जाए, क्या करे। इसके अलावा किसानों का कहना है इस बार धान का भाव भी कम है। हाल ही में हुई बारिश के कारण धान में नमी आ गई है, जिस कारण मंडी में धान को कोई नहीं खरीद रहा। पिछले कई दिनों में मंडी में अधिकारियों के चक्कर लग रहे हैं, लेकिन अधिकारी खरीद बंद होने की बात कर वापस भेज देते हैं। यार जीरी ज्यादा पहले ज्यादा ऊपर वाली बिकली थी, दोबारा बताई उन्होंने गीली है, सैंपल लाया गीली है, 10 दिन के बाद फिर लाया सैंपल सही है। फिर ये यहाँ 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए इसमें पड़ी ने, इसका कोई सरकार वो भराई नहीं करी। अब बोल रही है बोला बंद कर दिए जीरी लेनी, अब ये बेला गिली होगी, गिली होने के बाद ये कहाँ ले जाऊँ इसको, मैं तो मर गया। वहीं गोहाना अनाज मंडी के सचिव परमजीत नांदल ने बताया कि पीआर धान की सरकारी खरीद हैफेड द्वारा की जा रही थी, जिसका कोटा पूरा होने के चलते मंडी में खरीद को बंद कर दिया गया। जैसे ही आदेश आएंगे धान की खरीद की जाएगी। पीआर की खरीद अभी फिलहाल नहीं चल रही है। पीआर की यहाँ परचेज जो हैफेड एजेंसी कर रही थी, हैफेड से मेरी बात हुई थी, हैफेड अधिकारियों ने कहा कि एक्चुअली तो हमारी जो पीआर की खरीद थी वो पूरी हो चुकी है। जो हमारे पास हमारे नॉलेज में एज पर रिकॉर्ड हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी ऐसा किसान नहीं आया जिस जो ये कहेंगे मेरी पीआर नहीं बिकी है। और इसके लिए जो मिल होता है, जो थ्रेट किया जाता है कि ये इसकी पिटाई करेगा, उसका जो कोटा था वो भी कंप्लीट हो चुका है। और पीआर जो है, अगर आप इस बारे में मेरी बात हो चुकी है, ये एफर्ट से रिलेटेड इशू है, तो जैसे कोई इंस्ट्रक्शन हमारे पास आती है, उनके पास आती है, अगर वो हमें कोई मैसेज करने करते हैं तो वो खरीद करते तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम कर लेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कब तक सरकार की ओर से धान खरीद के लिए आदेश दिए जाते हैं। बारिश के कारण धान में आई नमी भी किसानों की चिंता का कारण बनी हुई है। टोटल न्यूज़ के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।